In Bombay, and they're so beautiful, and they don't take up much of your time. They're easy to look after. They are wonderful to pet and stroke, and they lower your blood. Three puppies from the street, and I was really surprised as to how loving, caring, and responsible they are. We didn't even train them, but they are just so well behaved, and it was really surprising because they came from the street, and I love them now. We call them the patch puppies. Yeah, good evening. I would like to say that, you know, I used to be very scared of dogs and cats. I had a fear. But I always used to love pets, and I always wanted to own one and have one. Finally, I got a puppy a year back, and I don't think I can do without. His name is Diesel. So yes, someone told me that, you know, get a lab because labs are really friendly, but now I just realized that pets are friendly in general. So next time, yes, I will try and adopt one, and I would advise that to everyone else. It's a great deed, give them a home. And I would just like to add, just to make the note light, that the reason why we didn't have a dog in my house is because my mom said they already have me. Yeah, because a lot of people in America think that I share a dog's name, Jackie. Well, thank you so much for having me. Thanks. While I have... This event has been our signature event for the past 5 years. This is the fifth one. And we couldn't have done this without them and without you. So thank you so much for coming. Thank you so much for taking the time out. And we are forever India. Jackie sir, one for you. जैकी कुछ भी पूछने से पहले सबसे पहले यार लुक के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा. ये लुक किसी प्रोजेक्ट के लिए है यार? ये ना एक्चुअली बियर्ड है, पोनी भी है. या एक्चुअली क्या है, मैं सच बताऊँ, ये है कि मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी इतनी दाढ़ी आती है. ठीक है, तो ये पहली बार इतनी दाढ़ी आई है, और इतने लंबे बाल भी पहली बार हुए. बचपन में कभी मॉम डैड अलाउ ही नहीं करते थे कि यू नो हम थोड़े से क्या मिडिल क्लास फैमिली से बड़े हुए हैं जब बचपन में थे, तो उन्हें लगता है कि ये पोनी और ये दाढ़ी और ये ना ये सब, ये तुम गुंडे बन के क्या घूम रहे हो. तो स्कूल कॉलेज में कभी अलाउ ही नहीं हुआ. अब क्या है, वो एक्टर हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये लुक के लिए ट्राई करना है, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया. तो जो भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये देख रहे हैं, और आपको अगर मेरा लुक पसंद आया तो प्लीज़ मुझे काम दीजिएगा. आई थिंक ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. और जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन मैं डरता भी था बहुत, बिकॉज मेरी मॉम बहुत डरती है. तो बचपन से वो मॉम से जो एक डर जो उनको था, वो हमें भी ऐसे, हम भी वैसे ही बड़े हुए. और मेरे सारे दोस्तों के पास लैब डॉग्स थे, कैट्स थे, तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं लेके आऊँ एक और पालूँ. लेकिन ऑब्वियसली काम में बिज़ी रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है. फाइनली 7 महीने पहले मैं एक लैब्राडोर लेके आया, और वो इतना प्यार देता है, इतना प्यार देता है, मेरा एकदम डर चला गया. जो दूसरे जानवर हैं उनसे भी मुझे और अब यू नो एक मोह बढ़ गया है सबसे. और ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अगर आपको पेट चाहिए तो काफ़ी सारे पेट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो, ना कि एक सिर्फ फॉरेन पेट ही लाना एक शो की बात होती है. और ये तो वैसे भी मुझे लगता है कि ये अच्छा है, ये हमें हिंदुस्तानियों की और इंडियन चीज़ों की वैल्यू वैसे भी बढ़ रही है. इंसानों में तो ऑलरेडी हो गया है, आई थिंक अब ये जानवरों में भी होना चाहिए. यार प्रोफेशनल फ्रंट में मैं भी थोड़ा सा लॉस्ट हूँ और कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, तो इसलिए ये लुक वुक ट्राई कर रहा हूँ. बट ये है कि पूजा फिल्म्स में काम नहीं करूँगा मैं, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे खुद के मेहनत से थोड़ा सा कुछ हट जाता है उसमें. वो पूजा फिल्म्स और डैड का नाम इतना बड़ा है, तो उनके शेडो से निकलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो आई थिंक मुझे बाहर हटके थोड़ा काम करना चाहिए. नहीं नहीं सी देखिए, मुझे किसी भी फिल्म में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, और पूजा फिल्म से उन्होंने मुझे बैक बहुत किया है. बट आई फील कि एक आधा फिल्म में बाहर करनी चाहिए, और फिर थोड़ा सा और पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस हो, और मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो.
अपनी मेहनत पे एक जो गुरूर होता है वो भी होना चाहिए, और उसके बाद फिर तो एक ही लौता हूँ, तो कब फिल्में बनानी भी है, करनी भी है और कंपनी संभालनी भी है। ओके, जैकी कहीं आप तो साइंस पे बिलीव करते हैं, जैसा आपने कहा शेव रखा है, लुक चेंज किया है, तो कहीं साइंस पे बिलीव करते हैं कि मेरा अगर लुक ऐसा रहेगा तो मुझे काम मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक लुक है कि मैंने कभी इतनी दाढ़ी बढ़ाई नहीं है, पोनीटेल रखी नहीं है, तो रख के देखना था कि मेरे पे सूट करता है कि नहीं। ऑल्सो जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें करके देख लेनी चाहिए, नॉट बिकॉज ये समझने के लिए कि आप पर क्या सूट करता है, ये समझने के लिए आप पर क्या नहीं सूट करता है। तो फिल्मों में तो आप फिर वो गलतियाँ नहीं करें। ओके जैकी, जैसे आपने जिक्र किया कि पूजा फिल्म में तो काम नहीं करना चाहिए पूजा, थोड़ी देर के लिए, थोड़े अच्छा, कोई खास वजह या आपको कहीं लगता है बीइंग एन इंडिविजुअल नहीं, क्या होता है आई टेल यू क्या होता है कि उतनी धौत से या उतने यू नो इंस्ट्रक्शन के साथ आपसे काम कर, नहीं ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब आप, मैं एक लड़का हूँ, मैं घर से झगड़ कर थोड़े से पैसा इकट्ठा कर मुंबई पहुँचा, ठीक है, मेरे पास रेंट के पैसे नहीं हैं, ठीक है, और फिर मैं एक फिल्म देखता हूँ यंगिस्तान, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती है, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, संगीत नंबर वन पे था, फिर मैं देखता हूँ प्रोड्यूसर कौन है, ओह, तो वो सारी चीज़ें जिसको आपने तारीफ़ की वो सब ज़ीरो हो गई। और वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इतनी खुद की सबकी तकलीफ है, सबको लगता है यार दिस इज़ नॉट फेयर, एक्चुअली नथिंग इज़ फेयर इन लाइफ। तो वो देखने का एक नज़रिया होता है, और हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो अगर उनको किसी और तरीके में चाहिए तो उनको उस तरीके में पेश करेंगे। ओके द लास्ट वन, इट मींस यू वांट टू लिव अ स्ट्रगलर लाइफ, इट्स नॉट अबाउट, वी ऑल आर लीडिंग अ स्ट्रगलर लाइफ। देखिए क्या होता है, मैं अगर एक महल में रह रहा हूँ, ठीक है, और अगर कोई झोपड़े में रह रहा है तो महल को संभालना वो भी एक संघर्ष है, कि झोपड़ा 15 मिनट में साफ़ हो जाता है, महल को 3 दिन लगते हैं साफ़ करने के लिए। सो स्ट्रगल तो भाई गौतम बुद्ध ने भी किया था, भगवान कृष्ण ने भी किया था, तो हम कौन हैं? स्ट्रगल तो बच्चन साहब अभी भी लगे हुए हैं भाई, ये उम्र में भी इतनी मेहनत करते हैं। किसी एक प्रोडक्शन हाउस के साथ आप काम करना चाहें तो कौन सा होगा? मैं सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना चाहूँगा, धर्मा के साथ, यशराज के साथ, बालाजी के साथ, साजिद नाडियाडवाला साहब के साथ, सारे। वो तो मतलब क्या होता है कि हर कंपनी में एक बदलाव का टाइम आता है और नए चीज़ों का टाइम आता है, और वो जब मेरे हाथों में 100% कमान सौंपी जाएगी तो मेरे देखने का नज़रिया कुछ और है, मेरा सोचने का नज़रिया कुछ और मुझे जिस किस्म की फिल्में पसंद है वो भी कुछ और है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करेंटली बॉस वो है, मैं तो उनके लिए काम करता हूँ। अगर आपको जानवरों से प्यार है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और आप जाके जानवरों को अडॉप्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें आप सबकी मदद की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, और अगर आपके पास उतनी शौहरत है ताकि आप एक बच्चे को संभाल सकते हैं, एक्स्ट्रा बच्चे को, बिकॉज मैं बच्चा ही कहूँगा, तो प्लीज़ जानवरों को अडॉप्ट करिए। फेस्टिवल का नाम क्या है? चिन्ह फेस्टिवल, चुनाव चिन्ह। मैं चिन्ह फेस्टिवल के सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, वर्क हार्ड, डू वेल एंड ड्रीम बिग, बिकॉज अगर आप बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा कर पाओगे। ऑल द बेस्ट। VIU TV. Hi guys, this is Jackie Bagnani and you're watching me on VIU TV.